नमस्कार। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम अनबॉक्सिंग थॉमसन 55 इंच 4K एलईडी टीवी का। वैसे थॉमसन एक फ्रांस की कंपनी है जिसका ये सेकंड सबसे बड़ा लॉन्च है इंडिया में, और इस बार दोस्तों ये लाई हैं 50 और 55 इंच के टीवी। और यहाँ पे दोस्तों हम करने जा रहे हैं उनके जो बिगर वेरिएंट है 55 इंच उसके अनबॉक्सिंग, और फिर डालेंगे क्विक नज़र उसके स्पेसिफिकेशंस और उसके प्राइस पॉइंट और फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम करने जा रहे हैं इस टीवी का गिव अवे, और एक नहीं बल्कि दो लकी विनर्स को मिलेगा ये 40,000 रुपए का टीवी। तो चलिए सबसे पहले तो करते हैं इसको अनबॉक्स। और दोस्तों, अनबॉक्स की जहाँ तक बात है ना, तो जल्दी से करते हो, बिकॉज इतना बड़ा टीवी है और हर एक चीज़ एक के बाद एक निकालने में टाइम लगता है, तो इसको जल्दी से हम क्विकली रन थ्रू करेंगे। अब जैसा कि आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर मिलता है एक बड़ा सारा 55 इंच का टीवी, और उसके साथ आपको मिलता है दोस्तों एक रिमोट कंट्रोल। और ये जो रिमोट है इस पर हम आगे जाकर के बात करेंगे, बट हाँ फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये ट्रेडिशनल रिमोट कंट्रोल है, यहाँ पे आपको कोई भी एयर माउस वाली फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ वारंटी कार्ड और कुछ वो जो होता है ना स्टार्टर्स गाइड वो सारे मिल जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में और फिर नज़र डालते हैं यहाँ पे हम टीवी के ऊपर। तो सबसे पहले इस टीवी में आपको क्या दिखेगा भाई, टीवी है उसका बड़ा स्क्रीन ही दिखेगा, राइट। और ये जो स्क्रीन है दोस्तों वो 4K पैनल है, जो कि सैमसंग का जो पैनल है इन्होंने यहाँ पे थॉमसन ने यूज़ किया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको एक्सपेक्टेशन मिल रहा है वो 16:9 का मिल रहा है, और इसका जो ओवरऑल रेजोल्यूशन है वो है 3840x2160 पिक्सल, जो कि है 4K, मतलब जो आपका 4K रेजोल्यूशन है वो। उसके दोस्तों अगर आप यहाँ पे बेजल्स पे नज़र डालें तो इतने बड़े बेजल्स भी नहीं है, और उसके बाद आपके जो ओवरऑल जो पैनल क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो ओवरऑल टीवी का जो आपको थिकनेस मिल रहा है, जो बैक पैनल है, जितने भी आपको जितने पोर्ट्स मिल रहे हैं, तो उसमें एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड सबसे पतला तो नहीं है, बट हाँ फिर भी इस प्राइस पॉइंट में ये इतना बल्कि भी आपको नहीं लगेगा। अब इसके अगर पोर्ट्स की बात करें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दो USB पोर्ट, एक हेडफोन जैक, उसके साथ साथ आपको एक कार्ड स्लॉट, और फिर उसके नीचे दोस्तों आपको एक HDMI का पोर्ट है वो मिल जाता है। और फिर आप अगर टीवी के पीछे जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको और दो HDMI पोर्ट्स मिल जाएंगे, उसके साथ आपको RJ45 जो पुराने ज़माने के वो जो रेड येलो और वाइट वाले जो कोएक्सियल केबल्स डालते थे वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ऐसे में पोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पे आपको भरभार ऑप्शन मिल रहे हैं, बट हाँ जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्ट जैसे HDMI 1 उसको जैसे रीच करना बहुत ज़्यादा इजी है, बट अगर आपका टीवी जैसे वॉल पे सेटअप होगा तो वो जो नीचे वाले जो पोर्ट्स हैं उसमें आपको या तो एक्सटेंशन लगाना पड़ जाएगा, या फिर अगर आपको एक ऐसा पैनल लगाना पड़ेगा जो टीवी के पीछे जिसको आप इजीली मूव कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं हम टीवी के इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको डुअल कोर प्रोसेसर मिलता है जो कि है 1.4 GHz पे क्लॉक, और उसके साथ आपको मिलता है माली का T720 GPU। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे 1 GB की रैम और 8 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो मिल जाएगी। और ये जो दोस्तों पूरा टीवी है वो रन करता है एंड्रॉयड 5.1.1 पे। जहाँ तक स्टॉक एंड्रॉयड का सवाल है, आपको स्टॉक एंड्रॉयड तो नहीं मिल रहा, बट हाँ उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स दोस्तों यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड है, यूट्यूब प्री इंस्टॉल्ड है, इसके अलावा आपको यहाँ पे स्काइप, फ्लिपकार्ट और ब्राउज़र में मिल जाता है, और ऐसे में आप जो दूसरे ऐप है उसको डायरेक्टली इनके स्टोर से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो इस इंटरफेस को दोस्तों थॉमसन बोलती है माई वॉल इंटरफेस, और इसमें बहुत सारे जैसे यूट्यूब वीडियोज आपको दिख जाएंगे, इसको आप डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं, और इसमें एवर अपडेटिंग कंटेंट आपको मिलेगा जो इंटरनेट पे ही अपडेट होगा। अब जहाँ तक दोस्तों इंटरनेट की बात है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें आप लैन पोर्ट भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें RJ45 का आपको पोर्ट मिल रहा है। इसके बाद अगर इसके साउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का स्पीकर मिल जाता है टीवी में। अब एक बहुत बड़े हॉल के लिए तो दोस्तों थोड़ा कम है, लेकिन हाँ अगर आप जैसे समझ लीजिए 10x10 या फिर 14x14 की भी अगर इसको फ्लैट में यूज़ करें या फिर हॉल में यूज़ करें तो हाँ इसकी जो साउंड आउटपुट क्वालिटी है आपको यहाँ पे डिसेंट ही मिलेगी। अब अगर प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की बात करें तो आपको इस टीवी के दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक है 50 इंच और एक है 55 इंच, और दोनों ही दोस्तों 4K पैनल के साथ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जो 50 इंच का जो वेरिएंट है वो आता है 33,999 लगभग 34,000 में, और जो 55 इंच का जो पैनल है वो दोस्तों आएगा यहाँ पे 39,999। और ये दोनों टीवी खरीदने के डायरेक्ट लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट से।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरफेस में क्रोम कास्ट का सपोर्ट तो नहीं, बट हाँ मीरा कास्ट का सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि शॉमी डिवाइसेज हैं वो तो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे एंड्रॉइड फोन को मिरर करना चाहें तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप ये कर पाएंगे। तो अब जहाँ तक दोस्तों टीवी की बात है, तो इसमें जो पैनल है वो मैंने ऑलरेडी बताया सैमसंग का है। इसके जो स्पीकर्स हैं वो 20 वॉट के हैं। इसमें आपको माई वॉल का सेटअप मिल जाता है, इसमें आपको नेटफ्लिक्स ऑलरेडी मिलता है, इसमें आप जो दूसरे एप्लीकेशन जैसे अमेजन प्राइम हो गया, और अगर आप जैसे हॉटस्टार वगैरह देखना चाहते हो तो वो भी दोस्तों आप इंस्टॉल कर पाएंगे। अब जहाँ तक टीवी का जानना है तो इसमें दोस्तों बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होंगे, इसका फुल रिव्यू हम आगे जाकर के करेंगे। तो इसके बारे में अगर आप हमसे कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कि यार ठीक है एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद हम उसे अपने वीडियो में लेके आएंगे, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें #AskGT लगा करके वो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, बिकॉज हम आगे जाकर के AskGT का जो वीडियो है वो बनाएंगे, तो वहाँ पे हम आपके इन कमेंट्स का इन क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाएंगे। और अब दोस्तों बात करते हैं गिव अवे के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम दे रहे हैं 2 55 इंच के टीवी आप सभी के लिए, जी हाँ एक्चुअली लकी विनर्स के लिए। और ऐसे में आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको करना है दोनों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद एक और मैंडेटरी चीज़ है कि आपको Instagram पे GT हिंदी और GT जो हमारी इंग्लिश वाली Instagram पेज है उसको करना है फॉलो। और इन दोनों इन चारों एंट्रीज के बाद आप जैसे इस टीवी को जीतने के लिए हकदार हो सकते हैं। दोस्तों मैंने हमारे पुराने गिवअवेज में देखा है कि आप में से बहुत सारे हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, और ऐसे में अगर वो विनर निकल गए हैं तो फिर हमें वहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है। बिकॉज ये एक तय बात है कि अगर आप हमें अभी फॉलो नहीं कर रहे हो और अगर जीतने के बाद फॉलो करोगे तो आप उस प्राइस के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो के बारे में ट्वीट कर सकते हो, हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, उसको जैसे डेली अगर आप ट्वीट करोगे तो ऐसे आपको एक एक पॉइंट डेली के मिलते रहेंगे, और फाइनली आपका जो टीवी जीतने का चांस है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करो और हर जगह फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, टीवी शायद आपका हो जाएगा, राइट? एनीवेज अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसके पीछे जो हमारी मेहनत अगर वो पसंद आई तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।